श्री तमरा जी हमारे साथ हैं। दीदी माँ, किस तरह की का उत्साह है आज? आप आंदोलन के बाद आज आप आई हैं, किस तरह का बदली हुई अयोध्या नजर आ रही है? अयोध्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या उद्गार है इस मौके पर आपके? मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ अयोध्या की भव्यता के लिए। योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ और भक्तों को धन्यवाद देती हूँ कि इस भव्यता में जय श्री राम, जय श्री राम। राम की भक्ति ने दिव्यता भर दी, तो भव्यता और दिव्यता, शांति और क्रांति, यही तो चाहिए। सुख दुख नहीं, परमानंद चाहिए, तो परमानंद प्राप्त हो गया अयोध्या में। सालों की तपस्या के बाद आज आपको परमानंद मिल रहा है। आप योगी जी और जो ये पूरा प्रयास रहा, इस पूरे आंदोलन को किस तरह से देखते हैं आप? जब आप तो परिणति की तो और कार सेवकों का बलिदान, माताओं ने कोख के लाल दिए, बहनों ने अपने भाई दिए, स्त्रियों ने अपने पति दे दिए, है ना, बच्चों ने अपने पिता ने उछावर किए, तपस्वियों ने तप दिया, त्यागियों ने त्याग दिया, भजनानंदियों ने अपने भजन का सारा फल दे दिया, राजनैतिक ताकत के साथ जुड़ गई, नहीं तो भक्त तो बेचारे कीर्तन ही करते रहते, दुखी रोते, पीड़ा ही व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि सत्ता की ताकत तो बहुत होती है, और जिनके पास सत्ता की ताकत थी उन्होंने कुचला हमारे आंदोलन को, मारा हमारे बच्चों को, कत्ल किया उनका, उनको बलि चढ़ा दिया, और फिर राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जन भावना को समझा और राम रथ लेके निकल गए। उन्होंने भारत के मन को समझ लिया, भारत तो राम में जीता है, रोटी ना मिले पर राम मिलने चाहिए। अभी भी ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन अभी भी ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने आने से इनकार कर दिया, जिन्होंने ये कहा कि हम तो बाद में आएंगे, तमाम तरह की। आप भी विचित्र हो भैया, जो आए उनका स्वागत करो, जो नहीं आए ये उनका भाग्य है। आपने देखा कि किस तरह से साध्वी रितंबरा वो है जिन्होंने इस आंदोलन को न सिर्फ मुखरता से आगे ले जाने का काम किया, बल्कि 1992 के बाद से लगातार वो राम के तप में और राम को लेकर के तमाम आंदोलन को, उन्हें अगर मुख्य कर्ता धर्ताओं में से एक कहा जाए, उनके पोस्टरों में आज भी उनकी तस्वीरें लगती हैं, और इसके अलावा जो आंदोलन है उनकी जो बड़ी भूमिका है उसको लेकर के आज अयोध्या ही, और उन्होंने अपनी पूरी भूमिका के बारे में साथ साथ उन्होंने आने वाले लोगों को और जो नई अयोध्या बनी है उसको लेकर के भी अपने उद्गार वन इंडिया के साथ साझा किए हैं। फिलहाल अयोध्या से कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।